हाय फ्रेंड्स, सबको दिल से नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी 11 बज रहा है और हम लोगों का यहाँ पे एक सबसे बड़ा यही है। तो सबसे बड़ा एक मेला चल रहा है, श्री जगन्नाथ जी का मेला चल रहा है। तो वो मंदिर में हम लोग जाएंगे आज, तो उधर चल रहा है पूजा, तो जाएंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरा ब्लॉग चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी देखते हैं कि कौन कौन जा रहा है हमारे घर में। हमारा यहाँ पे जो छोटा मोटा मतलब गांव में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब जगन्नाथ मंदिर नहीं था, तो किसी ने किया, रेडी किया और वो मंदिर का पूजा है आज। तो सबसे बड़ा बात, श्री जगन्नाथ जी का पूजा है, तो हम लोग देखकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं वहाँ का माहौल क्या है, कैसे पूजा हो रहा है और हमारा यहाँ का कल्चर के बारे में आप सबको पता चल जाएगा कि कैसे पूजा हो जाता है, कैसे कुछ होता है, कैसे खाने में देता है प्रसाद भगवान का, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो और वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मेला जाएगा? हाँ। ये देखिए सुबह जाएगा, अभी नंगा है और उसका माँ अभी अंदर रेडी हो रहा है, उधर हमारा बहन उधर रेडी हो रहा है और माँ को मैं छोड़ के आ गया क्योंकि एक ही बाइक है और एक ही बाइक में इतना लोग नहीं जा सकता, इसीलिए माँ को छोड़ के आ गया मैं और इन तीनों को लेके मैं अभी जाऊँगा। तो सबका सब अभी रेडी हो जाएगा 2 मिनट का अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। इसको देखिए कितना लिपस्टिक लगाया है मुँह पर। अभी हम लोग जाएँगे ये मंदिर, जाएंगे जगन्नाथ जी का मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं बाइक। ये हम सभी गाड़ी में बैठ गए, अभी जाएंगे रोड में से होते हुए जाएंगे हम लोग। दोस्तों, मेरा घर से जो यहाँ पे श्री श्री जगन्नाथ जी का पूजा हो रहा है, वहाँ का दूरी कम से कम 8 किलोमीटर होगा। तो रास्ते में बहुत भीड़ था क्योंकि सभी लोग आ रहा था पूजा में, सबसे बड़ा पूजा ही है। तो उसके लिए मुझे आने के लिए करीब आधा घंटा लग गया। और ये देखिए कि इतने सारे आइसक्रीम दुकान है यहाँ पे। अब चलिए चल के देखते हैं मंदिर कैसा दिख रहा है। दोस्तों, मैं दुख की बात क्या बताऊं कि मेरा जो दादाजी है वो करीब 60 साल का उम्र में अगले साल गुजर गए हैं। और हमारा यहाँ पे परंपरा है कि मतलब जिस महीना से गुजर गए हैं दादाजी, उस महीना से फिर इस साल का मतलब 12 महीना एक साल, तो एक साल नहीं होने तक आप कहीं पे नहीं जा सकता। मतलब जैसा कि मंदिर में कोई पूजा में आप मतलब जा सकता है लेकिन मंदिर में नहीं चढ़ सकता, तो इसीलिए मैं लाइन नहीं दिया। सभी लोग लाइन देके मंदिर के ऊपर चढ़ के तो भगवान से आशीर्वाद ले रहा है, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है ये, क्योंकि मेरा नसीब में नहीं है क्योंकि मेरा दादाजी जो है वो गुजर गए हैं। इसीलिए तो मैं साइड से आकर ये देखिए वीडियो बना लिया और सभी को भगवान को दिल से नमस्ते किया और हाथ जोड़ के नमस्ते किया भगवान को दिल से। तो फ्रेंड्स, क्या करेगा, अंदर तो नहीं जा सकता है, तो अभी जाके देख जगन्नाथ जी का भजन सुनते हैं। अपुंटी तो चित्त रे प्रदान करी कुंडीचा माँ कहले मत माँ डाकुचु बरंग तू सत्य कर मु जा कोई भी से रखिबु कर कौन कहू जगन्नाथ कहले हो तू जा बुझुचु लो माँ जहा कहू मु केबे काटिबी ना जगन्नाथ तो सत्य कले से दिन कुंडीचा माँ कहिना थी जगन्नाथ हो माँ सत्य कले कहुनु जेते देउथिबी सेते खाउथिबु
नसुखिब तोर हाथ जेते देउथिबि सेते खाउथिबु नसुखिब तोर हाथ लोके कहुथुबे खाइबा ठाकुर नीला चले जगन्नाथ नीला चले जगन्नाथ नीला चले जगन्नाथ आ से दिनरु जगन्नाथ आज्ञा खाउछन्ती कोन खांती साठिए कोटी छपन भोग आपण समस्ते आनंद बजार जाइछन्ती जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रसाद मध्य महाप्रसाद सेवन करछन्ती किंतु जगन्नाथ महाप्रभु जो साठिए कोटी छपन भोग खांती कौन कौन खाती आम टे शुणा पपू टे आंगुड़ी कौन जगन्नाथ महाप्रभु जो षाठी पोड़ी छपन भोग खाती कौन कौन नड़िया पाती नड़िया कोला गुड़ कोला दही ओली माटपोली हंसकेली कणपोली ओरिया थाली सुवारी केली सरपुरी रसागुड़ी त्रिपुरी सुगंधी पकाला मीठा पकाला बड़ किरीसा छना किरीसा बिरी कचुरी मुग पाइती मरीच पाणी काकदुआ जीवी चकिया मालू सतपटिया पेटा सुवर पेटा ओदा पाजी ताटी खिचड़ी डुड़पुरमा सेतपेणी मयूर बेसर मधुरती कानिका डालमा हल्दी भितर शाग पारिया बल्लव मांडुल खैरचोड़ मनोहर छेनाकोली फेणी चुंगी शाग त्रिपुर शाग पाका आरिश काकड़ा खुड़मा हेंडुली रमा बुंदिया गजा तुआलुणी लक्ष्मीपिलास बुंदिया खीरी रसगोला पापुड़ी गजा तड़ई गेंदा मांडी पिठा আজি পৰা তোৰা স্নানপুনি আজি পৰা তোৰা স্নানপুনি तो मैं करीब एक घंटा से भजन सुन रहा था तो पसीना में पूरा भीग गया और उसके बाद सोचा कि थोड़ा खाना खा लेते हैं खाना नहीं प्रसाद भगवान का प्रसाद खा लेते हैं तो उसके लिए मैं थोड़ा चला किचन में किचन नहीं है ऐसा ही खुल्लम खुला बनाता है हमारा यहाँ पे कल्चर ऐसा ही है तो आप लोग देख रहे हैं कैसे बड़ा बड़ा मतलब जगह में खाना पकाया जा रहा है और ये सब देखिए स्टक कर रखा है तो ये देखिए चावल सभी को ये डालमा है तो सभी को देने के लिए लोग हैं अलग से ये देखिए कितने सारे रेडी हुए हैं और भी बहुत सारे रेडी होना बाकी है अभी क्योंकि आदमी बहुत सारे आदमी हैं बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मतलब कोई इवेंट से तो यही है क्योंकि ये मंदिर पहले हमारा एरिया में नहीं था तो ये अभी पहली बार हुए हैं तो इसके लिए बहुत भीड़ होगा और खाने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं बहुत सारे लोग आए हैं मतलब अनगिनत लोग आए हैं बहुत सारे लोग आए हैं और यहाँ पे खाने के पास जितना आदमी है उतना आदमी लाइन में लगा है भगवान को दर्शन के लिए और भगवान को प्रणाम करने के लिए और उसको छोड़ के और जहाँ पे भजन हो रहा है उधर भी आदमी है बहुत सारे लोग हैं और आज बहुत गर्मी भी ज़्यादा है और सभी का पसीना छूट रहा है और इसमें भी आप लोग देखा कि कैसे खाने के लिए खाने का क्या प्रोसेस है और ये सब था खाने का हम लोगों का तो अभी मैं जाऊंगा खाने के लिए सभी आदमी बैठ रहा है तो मैं जाने के लिए जाऊंगा खाने बैठने के लिए तो ये देखिए मेरे लिए एक सीट मिल गया तो मेरा बेटा हाय बोल दिया और ये देखिए सभी लोग कैसे बैठ रहे हैं और कुछ पत्ता इकट्ठा कर रहे क्योंकि वो लोग खाना हो गया ये देखिए हम लोगों को खाने के लिए थाली आ रहा है उसके बाद में आ रहा है थोड़ा थोड़ा पानी और उसके बाद आएगा चावल भगवान का प्रसाद और उसके बाद आएगा डालमा तो सब कुछ आएगा खाने में बहुत आनंद आएगा थोड़ा बहुत खाने से भी कोई बात नहीं लेकिन इसमें खाने का आनंद कुछ अलग है दोस्तों आप लोग एक बार खा के देख लीजिएगा ये देखिए चावल दे के चला गया चावल आ रहा है मेरा अभी चावल ना ये देखिए चावल आ गया डालमा आ गया उसके पीछे जा गया तो थोड़ा खट्टा तो फ्रेंड्स अभी खा लेंगे हम लोग तो आज बहुत सारा एंजॉय किया और फ्रेंड्स आप लोग नहीं खाए तो खा लीजिए प्लीज तो अभी हम सब को खाना हो गया सभी का तो अभी जाएंगे घर उसके बाद आऊँगा मैं माँ को लेने के लिए और अभी हम लोग बाइक में बैठ गए हैं और जा रहे हैं घर तो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों हमारा ओडिशा में बहुत करीब 40 डिग्री के आसपास होगा मतलब गर्मी तो घर में मिलते हैं दोस्तों तो मैं अभी 3 बजे आ गया था और थोड़ा सोने के बाद जाग चुका हूँ अभी और आप लोगों से मैं शेयर किया कि हमारा यहाँ पे कैसा कल्चर है कैसा पूजा होता है
कैसा दुकान लगता है और क्या क्या मिलता है, मतलब कैसे प्रसाद देते हैं सब यहाँ पे। तो हमारा कल्चर में के बारे में आप सब शेयर किया और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। और फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग और ज़्यादा लंबाई नहीं करेंगे, इधर ही एंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, धन्यवाद।